अदाब नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है बारामूला के द्रंगबल इलाके से, जहां पर कानकनी के दौरान दो मजदूर जो है वो लुकमे अजल बन गए हैं। आपको बता दें कि द्रंगबल बारामूला और बारामूला के कई एक जगहों पर गैर कानूनी तरीके से जो कानकनी का काम चलाया जा रहा है, इसी दौरान इसका एक हादसा जो है आज बारामूला के द्रंगबल इलाके में पेश आया, जहाँ पर जफर अहमद और हिलाल अहमद की मौत वाका हो गई है। मजीद देखिए आप इस रिपोर्ट में। बारामूला के द्रंगबल इलाके में आज कानकनी के एक वाकये के दौरान दो मजदूर जो है वो जांबहक हो चुके हैं, जिनकी शिनाख्त हिलाल अहमद के तौर पर हुई है और दूसरे की शिनाख्त जफर अहमद के तौर पर हुई है। एक का ताल्लुक जहनपोरा से है और दूसरे का द्रंगबल बारामूला से है। जराए से मालूम हुआ है कि दोनों शख्स मजदूरी का काम एक मकान में कर रहे थे और इस कान का नाम मलिक कान के तौर पर जाना जाता है। मुकामी लोगों के मुताबिक ये कान जो है गैर कानूनी तरीके से बारामूला में चलाई जा रही है। वजह रहे कि बारामूला में कई एक जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कानकनी का काम चलाया जा रहा है, जिसके हवाले से मुकामी लोगों ने कई बार महकमा माइनिंग डिपार्टमेंट से राबता किया, लेकिन आज तक माइनिंग डिपार्टमेंट इस गैर कानूनी काम को रोकने में फिलहाल नाकाम हो चुकी है। मुकामी लोगों ने मुतलिका महकमा और जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर से मुतालबा किया है कि इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही कानों पर पाबंदी आयद की जाए। ऐसे नहीं पकड़ते हाथों में, वीडियो वाले को देना मजदूर ड्राइवर।